हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ झूठी एफआईआर कर दे तो आप क्या करेंगे। देखिए, हमारे देश में सबसे ज्यादा जो है कानून का दुरुपयोग इसी से हो रहा है कि आप नॉर्मली क्या करिए कि किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट झूठी एफआईआर करवा दीजिए। अगर एक बार किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर हो गई तो आपको पता है उसको कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो उसको एक वकील को इंगेज करना पड़ेगा जिसकी फीस जो है लाखों में है, और फिर उस केस को उसको फाइट करना पड़ेगा। कई बार पुलिस उसको बुलाएगी, उससे पूछताछ करेगी, उसको मेंटली जो है टॉर्चर करेगी और बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी देखिए, अभी उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है, उसके खिलाफ जो है झूठी एफआईआर करवा दी गई है और फिर उसको जो है पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ पे कोर्ट में केस चल रहा है और उसको फीस लग रही है, वकील साहब जो है उससे फीस ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बहुत ही एक ऐसा रास्ता बता रहा हूँ जिससे कि अगर आपको लगता है कि वाकई में मैंने कोई क्राइम नहीं किया है और मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई और मेरी कोई सुनने वाला, ना मेरी पुलिस सुन रही है और ना मेरी बात कोर्ट सुन रही है, अंडर सीआरपीसी में 482 में आप डायरेक्ट हाईकोर्ट जा सकते हैं। आप डायरेक्ट पिटीशन फाइल कीजिए हाईकोर्ट में, यहाँ सबसे जल्दी जो है हो सकता है निर्णय भी आ जाए। वहां पे आप कोर्ट में, हाई कोर्ट में बताइए कि मैंने ये अपराध नहीं किया, जिस दिन ये अपराध हुआ मैं तो कहीं और था। जितने भी आप एविडेंस दे सके दीजिए डायरेक्ट, और आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। और आप लगता है हाई कोर्ट को नहीं नहीं इस व्यक्ति को तो फालतू में इस केस में फंसा दिया गया, वाकई में प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि इसका कोई रोल ही नहीं है, पुलिस इसको फंसा रही है। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट को लगता है कि इस व्यक्ति के ऊपर गलत एफआईआर की गई है, झूठी एफआईआर की गई है, पुलिस को आपने जो आपने कोर्ट को एविडेंस दिए, कोर्ट को उस पर विश्वास हो जाता कि वाकई में इस व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है, तो ऐसी स्थिति में ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा उस एफआईआर को रद्द कर दिया जाएगा। और एफआईआर का रद्द होना, एफआईआर की क्वेशिंग होना, इट्स मीन्स वो केस ही खत्म हो गया। पुलिस के जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो इन्वेस्टिगेशन खत्म, पुलिस ने जो जो अभी तक डॉक्यूमेंट जो इन्वेस्टिगेशन की है उसका कोई मतलब नहीं है, कोर्ट में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बाद जो केस चल रहा है उसका कोई मतलब नहीं, सब बंद हो जाएगा और वो केस टोटली बंद हो जाएगा अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है उस केस को एक्सेप्ट कर लिया और 482 में उसको एफआईआर को क्वेश्चन कर दिया। तो ये सबसे सरल रास्ता है और कम समय में आपको रिजल्ट देखने मिल जाएंगे कि यदि आपको लगता है कि मेरे खिलाफ पर्टिकुलर व्यक्ति ने कोई दूसरी दुश्मनी के कारण झूठी एफआईआर करवा दी और जिसका कोई केस ही नहीं बन रहा है, तो फिर आप 482 में जाएं और उस एफआईआर को सीआरपीसी 482 में जाएं और एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। लॉ से संबंधित, कानून से संबंधित या लीगल एडवाइस आप चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।